ये बहुत मुश्किल जर्नी था हमारा, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज। धुआं छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा। क्या हाल है सबके, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज तीसरा दिन है हमारे ट्रिप का, 9:30 बज रहा है, ऑलरेडी लेट हो चुका है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रहा था सुबह। रास्ता कैसा होगा चंद सिंह भाई? रास्ता अभी सर सुबह एकदम बारिश हो गया है तो इसलिए रास्ता कुछ नहीं बोल सकते, तो थोड़ा बर्फ बहुत होगा सर रास्ता पे। तो जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता और बहुत पतला है, तो उसमें हम लोग अभी बर्फबारी भी देख सकते हैं और जल्दी जल्दी निकलते हैं ताकि वहां पे टाइम पे पहुंच पाए। मेरे साथ बने रहिए। श्यामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। यह है परमिट नथुला जाने के लिए, और अगर आप लोग भी आते हो आपको ये परमिट निकालना पड़ेगा। इसका 3 कॉपी जेरोक्स करने वाले हम लोग, क्योंकि 3 चेक पॉइंट है तो हर जगह पे एक एक कॉपी देना पड़ेगा, ठीक है। कल से सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी। ये है पहला चेक पॉइंट, यहाँ से नथुला पास है 49 किलोमीटर, बाबा मंदिर है 50 किलोमीटर। यह है पहला चेक पॉइंट। आप फॉग देख सकते हो यहाँ पे, अपना बाइक रहा वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा रहे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फॉग का लेवल देखो आप। यहाँ मैगी खाने के लिए रुके हम लोग, इतना ज्यादा ठंड है ना इधर कि ग्लव्स पहना है मैंने, राइडिंग ग्लव्स, फिर भी मेरे हाथों में ऐसा लग रहा है कि बर्फ घुस रहा है, लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चला नहीं पा रहे यहाँ पे गाड़ी, और जो हाथ है ना ग्लव्स के अंदर पूरा सुन पर जा रहा है, वो भी उसको भी बहुत ठंड लग गया। यहाँ से 20 किलोमीटर और ऊपर जाना है हमें, जाएंगे हम ऊपर जहां पे भी आग मिलता है थोड़ी देर रुक के हाथ ताप लेंगे। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियां ये बेचारे, दोनों कुछ हम लोग अभी आग तापने के लिए रुके यहाँ पे। आप हेलमेट देख सकते हो, मेरा जैकेट देख सकते हो, पूरा भीग चुका है। और ये बारिश नहीं है, ये है फॉग। यहाँ से हमें इस रास्ते में जाना है और लोकलाइट्स कह रहे हैं कि पूरा बर्फ से घिर चुका है वो, तो ये रास्ता थोड़ा डेंजरस होगा चलाने में। यहाँ आग ताप के हम लोग निकलेंगे अभी। इतना ज्यादा ठंड है यहाँ पे, आप चेहरे पे देख सकते हो, पूरा पानी बह गया, और ये मेरा जो जैकेट है पूरा भीग गया। ये ऊपर बर्फ गिर रहा है आंटी। ऐसा ना
अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं चल गया सूरज को मैं निकल गया रूबरू लास्ट 2 किलोमीटर हाथ तो लिया पूरा बरसता है बर्फ এখন বরফ বলতে সলিড হয়ে গেছে তো इतना ठंडा है बे मोमो और चाय पी लिए हम लोगों ने अब यहाँ से 3 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे ये देख रहे हो ये एक्चुअली पानी है जो टेम्परेचर कम होने के वजह से ना बर्फ बन गया है एकदम कश्मीर वाला फीलिंग आ रहा है यहाँ से 3 किलोमीटर और ऊपर याक देख रहे हो याक और तेरे बहुत बड़े यार जो गुमशुदा ये फाइनली हम लोग चांगू लेक पहुंच चुके हैं ये है देखो कितना सुंदर है हम लोग जमीन से अभी 14,310 फीट ऊपर है अभी यहाँ सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जाएंगे पूरा लेक देखने में और ये देखो बर्फ पिघल गया खिंचा खिंचा गाइस ये है हमारा प्यारा चांगू लेक सितार में और ये है बाबा मंदिर ये हम लोग है 14,000 फीट ऊपर और यहाँ से अभी हम लोग दोबारा जाने वाले गैंगटॉक के शहर में हाथ एकदम सोन हो चुका है बहुत मुश्किल जर्नी था हमारा वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज इन माय लाइफ तो बात नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि वो इस बॉर्डर पे मैंने उनका हर जगह पे कैंप देखा है यहाँ पे भी उनका कैंप है जो हमें प्रोटेक्ट करते और इतने ऊपर इतने ठंडे वेदर में भी हमें देख रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से प्यार करो जिंदगी में कभी हार मत मानना जय हिंद वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो थैंक यू